हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेडिकल वाला। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डोलोजेसिक एसपी टैबलेट के बारे में, क्या है, क्या काम करती है और क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किन लोगों को नहीं लेनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। दोस्तों थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और जो हमारी फैमिली है वो 9000 के आसपास पहुँचने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरह की इसकी पैकिंग होती है, ब्रांड नेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, डाइक्लोजेसिक एसपी, टोरेंट फार्मा के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इसके कंपोजिशन जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डाइक्लोफेनिक सोडियम, पैरासीटामोल, सेरेटोपेप्टिडेज। इसके एमआरपी के बारे में जाने, एमआरपी आपको मिलता है 91.20 रुपये 10 टैबलेट का। तो टैबलेट बाहर से कुछ इस तरह से पैकिंग होती है, ब्राउन कलर की इसकी। तो फ्रेंड इसमें 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया है, ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, किस परेशानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड इसमें अंदर जो दवाइयाँ हैं वो एंटी जैसिक, एनल्जैसिक, एंटी पायरेटिक और नॉन, तो इसके अंदर में जो दवाइयाँ हैं वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, और पेन किलर का भी काम करती है, यानी एनल्जैसिक भी है। और आइए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में, किस परेशानी में इसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। तो फ्रेंड इसका इस्तेमाल जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल आप सभी लोग जानते होंगे, पैरासीटामोल दर्द में इसको दिया जाता है। इसके अलावा यदि बुखार की शिकायत है या फिर जो है शरीर टूट रहा है या फिर जो है ठंड लग रही है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। इसके अलावा दांत दर्द है, कान दर्द है, या फिर जो है मसूड़ों में दर्द है, या फिर कहीं भी मोच का पेन है, स्ट्रेन है कहीं पे भी, इसके अलावा कहीं भी दर्द के साथ साथ में सूजन भी है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मतलब कि बॉडी में कहीं भी आपको पेन है और उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा घुटनों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, या फिर जो है एक साइड सोने की वजह से गर्दन जो है वो अकड़ गई है और दर्द है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कहीं पे भी पेन है, बैक पेन है, या फिर जो है आँख में दर्द है, कान में दर्द है, कहीं पे भी पेन हो आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जो है ऑपरेशन हुआ है किसी भी चीज़ का, या कहीं पर घाव बन गया है, या फिर जो महिलाएँ हैं जिनको डिलीवरी के बाद में टाँके लग जाते हैं और उनमें पेन होता है, सूजन होती है, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है एंटीबायोटिक के साथ में। तो उस कंडीशन में जो है एंटीबायोटिक को 2 टाइम दिया जाता है और इस टैबलेट को जो है 3 टाइम दिया जाता है। तो इसको जो है आम बोलचाल में एसपी भी बोलते हैं, तो एसपी टैबलेट होती है, एसपी का मतलब सेरेटोपेप्टिडेज, और इसको जो है सूजन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो कहीं पे भी यदि दर्द के साथ में सूजन है तो वहाँ पे सेरेटोपेप्टिडेज को चलाया जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है सूजन के लिए। तो ये थे इसके यूसेस। आप जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो है उल्टी, दस्त, चक्कर, जी मिचलाना और वोमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो अडल्ट के लिए एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट दोपहर को, एक टैबलेट शाम को, तो 3 टाइम तक भी इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा 2 टाइम भी इसको दे सकते हो, वो डिपेंड होता है पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, उसकी बीमारी के ऊपर, उसकी एज के ऊपर। तो हर किसी को एक डोज जो है वो नहीं दी जा सकती है, और जो लोग 16 साल से नीचे के हैं उनको टैबलेट नहीं दी जानी चाहिए, और टैबलेट देते भी हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार दें, क्योंकि इसको 2/3 या फिर आधे दिन में 3 बार इस तरह से दिया जा सकता है। डॉक्टर को ज़रूर से बताएं इसके बारे में। और अडल्ट के लिए एक टैबलेट आप पूरी दे सकते हो एक ही बार में। तो आइए बात करते हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाओं के लिए, तो उन दोनों के लिए ये सेफ है। इसके अलावा जो लोग दारू का यानी अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर लीवर किडनी से कोई संबंधित कोई परेशानी है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, या फिर किसी को इस ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड ये जो है आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हो। इसके अलावा और इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपको
डोलो जैसी एसपी भी मिल जाती है, डाइक्लोटाल एसपी भी मिल जाती है, काफ़ी सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप वो भी परचेस कर सकते हो। और इस बारे में इतनी थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, यदि आपका कोई कमेंट है तो सवाल है तो आप कमेंट में कर पूछ सकते हो। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।